Hello student, good morning. Today in this video we are going to discuss about classics, mathematics, chapters name fraction and exercise 4C. In exercise 4C, question number 2, convert each of the following mixed fraction into an improper fraction. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लुक हियर, हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 whole 3/4. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. दिए गए डिनोमिनेटर्स को होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. इस मल्टीप्लीकेशन के साथ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर आपका सेम पुट अप करेंगे. 8 4 जा 32 + 3 अपॉन 4. 8 4 जा 32 32 + 3 = 35. 35 अपॉन 4, इट इज अवर आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 5 whole 11/13. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई होल बाय डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स को होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो न्यूमरेटर होता है उसको इसके साथ ऐड करते हैं. 5 into 13. 35 is 65 plus 11 is our numerator. After adding we get 76 upon 4. Upon here 13. First of all multiplication of denominator with whole 13. 5 + 65, 65 adding numerator 11, we get 76 upon 13. It is answer 76 upon 13. Okay. Similarly, you can solve other question. Question number 3, convert each of the following improper fraction into a mixed fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में यहाँ पे देखिए. लुक हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 31/5. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो न्यूमरेटर, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज आपका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है. ऑलवेज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से ऑलवेज न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, तो न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 31 divided by 5, 5 6 जा 30, 30 subtract from 31 we get 1, 6 एज ए होल क्वेश्चन राइट एज ए होल. क्वेश्चन को हमेशा होल के रूप में राइट करेंगे. आपका रिमाइंडर जो होगा, यह रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर के स्थान पे हम लोग पुट अप करेंगे. एंड डिनोमिनेटर इज आपका सेम, डिनोमिनेटर 5 था पहले भी, अभी भी 5, यानी जो हमारा डिविजर होता है दैट इज डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 whole 1/5. सेकेंड क्वेश्चन, 80/7. 80 divided by 7. फर्स्ट ऑफ ऑल 80 को 7 से, जो न्यूमरेटर है उसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7, 7 subtract from 8 वी गेट 1, 0 ब्रिंग डाउन वी गेट 10, 7 1 जा 7, 7 subtract from 10 वी गेट 3, 3 एज रिमाइंडर, 11 एज क्वेश्चन. ऑलवेज क्वेश्चन राइट एज ए होल, क्वेश्चन को होल की जगह पे ऐड करते हैं. एंड रिमाइंडर ऑलवेज एज ए न्यूमरेटर,
एंड डिनोमिनेटर इज डिविजर इज अवर इन दिस क्वेश्चन डिविजर इज डिनोमिनेटर. ओके और करेक्ट आंसर इज 11. 11 होल 3/7. 11 होल 3/7. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट अनलाइट फ्रैक्शन इनटू लाइट फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइट फ्रैक्शन इनटू लाइट फ्रैक्शन. अनलाइट फ्रैक्शन को हम लोग लाइट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें. अनलाइट फ्रैक्शन में क्या होता है आपका जो दिए गए फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जब इसको लाइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे हमें फ्रैक्शन क्या होगा सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आपके इक्वल शो करना होगा इक्वल दिखाना होगा तभी जब फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम. जितने भी फ्रैक्शन होते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं दैट फ्रैक्शन इज नोन एज लाइट फ्रैक्शन. तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा. इसके लिए सबसे पहले हम लोग दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम फाइंड किया. एलसीएम फाइंड करेंगे इट इज डिविजिबल बाय देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 3 इज नॉट डिविजिबल 3 राइट हियर. 4 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 2. 6 डिविजिबल बाय 3 2 वी गेट 3. 8 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 4. क्वेश्चन यहां पे क्या राइट करते हैं क्वेश्चन टाइप राइट करते हैं. 12 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 6. इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. 3 इज नॉट डिविजिबल सो 3 राइट एज वेल एज 2 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 1. 3 राइट एज ऑन 2 डिविजिबल 4 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 2. 6 डिविजिबल बाय 2 वी गेट 3. नेक्स्ट हियर 2 इज रिमेंस सो इट नंबर इज ऑलवेज 2 डिविजिबल बाय 2. जब तक 2 से डिविजिबल होगा एक भी नंबर अगर इसमें से 2 से डिविजिबल हो रहा है तब तक आप 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहां पे हमने 2 से डिवाइड किया इस तरह से आपका 3 1 3 हियर 1 3 अब दैट इज नंबर डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल होगा 1 1 1. अब इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24. एलसीएम इज 24. अब यहां पे जो हमें एलसीएम मिलेगा 24 एलसीएम 24 कैसे हमें फाइंड किया इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24. जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा वो अब कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा. वो दिए गए फ्रैक्शन सभी फ्रैक्शन की जगह पे एक हमारा अलग जिसका डिनोमिनेटर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉमन डिनोमिनेटर. ओके अब यहां पे क्या करें कॉमन डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे अलग अलग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने पे जो क्वेश्चेंट मिलेगा उस क्वेश्चेंट को हम लोग उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके लुक हियर 24 डिविजिबल बाय 3 पहले 3 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के 24 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 8 मल्टीप्लाई बाय 2. उसको जो 8 हमें क्वेश्चन मिला उसको हम लोग न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 16. नेक्स्ट फ्रैक्शन 24 डिविजिबल बाय 4 वी गेट 6. 6 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 6 × 1 = 6. 24 डिविजिबल बाय 6 वी गेट 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 20. 24 डिविजिबल बाय 8 वी गेट 3 एज ए क्वेश्चन एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 21. नेक्स्ट 24 डिविजिबल बाय 12 वी गेट 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 11 वी गेट 22. सेपरेटली अब इस फ्रैक्शन को हम लोग सेपरेटली राइट करेंगे तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है ये सभी फ्रैक्शन के लिए है दैट इज सेपरेटली वी कैन राइट 16/24 6/24 20/24 21/24 22/24. लुक हियर डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन आर इक्वल. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो दैट इज नोन एज लाइट फ्रैक्शन.
इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो किस तरह से हम लोग एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से हमेशा पहले सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम हमने फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, जो एलसीएम फाइंड सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करें, दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम निकालने के बाद वो कॉमन डिनोमिनेटर होगा, फिर उसके बाद अलग अलग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करके उसके न्यूमरेटर के साथ क्वेशेंट को उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अलग अलग फ्रैक्शन हमें यहाँ पे फाइंड होगा, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन, ये सॉरी लाइक फ्रैक्शन होगा। इस दिए गए फ्रैक्शन के लाइक को हमने लाइक फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किस तरह से किसी दिए गए फ्रैक्शन को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी दिए गए फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले उस दिए गए फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में। ओके, तो सब लुक हियर क्वेश्चन नंबर 3। हियर 2/3, 5/6, 7/9, 11/12, 13/18। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, इस दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 18 इज इक्वल टू एस नॉट 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। We find the LCM of 3, 6, 9, 12, 18 is 36. Okay? LCM of, LCM क्या हमने मिला 36. अब यहाँ पे हम लोग 36 जो ये जो LCM find होगा ये आपका common denominator हो जाएगा। इस दिए गए fraction के denominators के बदले में एक हमें common denominator मिलेगा, और इस denominator को हम लोग अलग अलग दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम जिस तरह से हम लोगों ने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस तरह से किया, सेम उसी तरह हम लोग यहां पे भी करेंगे। लुक हियर 36 क्वेश्चन, सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर 36 डिविजिबल बाय 3, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 12, 36 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 12 एज ए क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मिलेगा, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 12 2 जा 24। नेक्स्ट 36 डिविजिबल बाय 6 वी गेट 6 एज ए क्वेश्चन, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 30 एंड नेक्स्ट 36 डिविजिबल बाय 9 वी गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 28 एंड नेक्स्ट 36 डिविजिबल बाय 12 वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 11 वी गेट 33 एंड 36 डिविजिबल बाय 18 वी गेट 2 एज ए क्वेश्चन। 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन 2 मिलेगा, उस क्वेश्चन 2 का हम लोग 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 मल्टीप्लाई बाई 13 वी गेट 26 सेपरेटली। तब इस दिए गए फ्रैक्शन को हम लोग सेपरेटली राइट करेंगे। हियर 24 अपॉन 36, 30 बाई 36, 28 बाई 36, 33 बाई 36, 26 बाई 36। अब जब हमें यहां पे कॉमन डिनोमिनेटर, जब हमारा ये डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, यानी हमने जब इसको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक रूल्स होता है। रूल्स ये होता है कि आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो, किसी दिए गए फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन सबसे ऑलवेज सबसे ग्रेटर होगा। अगर किस दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर
सबसे ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम लोग लुक हियर, डिनोमिनेटर इज सेम, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन किसका न्यूमरेटर 24 स्मॉलेस्ट, एंड हियर डिनोमिनेटर इज सेम एंड न्यूमरेटर इज बिग लार्जेस्ट 33/36। इस फ्रैक्शन, इन दिए गए फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट जो न्यूमरेटर है वो 24 है, और सबसे बिगेस्ट जो या लार्जेस्ट जो आपका न्यूमरेटर है वो 33 है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी दिए गए फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ राइट करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर नंबर 24/36 कॉमन जस्ट इसकी अपर रेट 26/36 अपर रेट 28/36 नेक्स्ट 30/36 एंड लास्ट 33/36 इट इज इन द सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये फ्रैक्शन तो हमने क्या, ये हमें जो मिला ये लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन जो थी वो फ्रैक्शन, देखिए एक्चुअल फ्रैक्शन ये ऐसा नहीं कि ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू आप डिफर है एक दूसरे से, नहीं, कभी भी आपके ये जो इस दिए गए फ्रैक्शन की ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये, मतलब ये एक दूसरे के जितने भी फ्रैक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर में हम लोग जो हमारे एक्चुअल जो फ्रैक्शन थे उस फ्रैक्शन को हम लोग इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि 24/36 ये किसकी वैल्यू है, लुक हियर 24/36 हमने यहां से लिया ना, तो 24/36 इज फर्स्ट यानी 2/3 इट रिटेन एज इन प्लेस ऑफ 24/36 2/3 नेक्स्ट 26/36 या 26/36 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, यहां से हमने वैल्यू लिया है 26/36 का, ये नंबर हम लोग देखेंगे ये किसकी वैल्यू आपकी 13/18 तो हियर वी राइट 13/18 नेक्स्ट 28/36 ये वैल्यू हम लोग कहां से लिए हैं, थर्ड प्लेस, वन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस से लिए, वैल्यू ऑफ थर्ड प्लेस इन थर्ड फ्रैक्शन इज 7/9 नेक्स्ट 30/36 वैल्यू ऑफ इट टेकन बाय सेकेंड फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन इज 5/6 एंड 33/36 वैल्यू फ्रॉम फोर्थ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ फोर्थ फ्रैक्शन इज 11/12 इन दिस सीक्वेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इन डिसेंड, अगर इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए क्वेश्चन को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो सेम प्रोसेस आपका अप्लाई करेंगे हम लोग, उस दिए गए फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम फाइंड करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के बाद वो जो जो मिलेगी वैल्यू वो आपका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा। उसी तरह सिमिलरली हम लोग दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग सेपरेटली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उस दिए गए फ्रैक्शन को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट अप कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर इन आर इन ग्रेटर टू स्मॉलर, ए फ्रैक्शन
in the form of greater number to smaller number, that is known as descending order. Okay. Next exercise we will discuss in next video. Thanks.